बहुत बार प्लास्टिक की चीज़ें। हिमाचल में बहुत सी ऐसी हर्ब्स हैं, प्रॉब्लम मैंने कभी सोचा नहीं था कि जंगल में हमें नींबू का पेड़ भी दिखेगा। आपकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए काम आते हैं। मेरी तलाश और आपकी तलाश एक साथ जारी रहेगी। लुक्स इंटरेस्टिंग और काफी कुछ जंगल, यहाँ से जंगल काफी ज्यादा डेंस होता जा रहा है एंड वी आर फाइंडिंग इट वेरी एक्साइटिंग गाइस। और लाइटिंग की भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, काफी ज्यादा डेंस है। यहाँ से नीचे जाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, ये पानी चल रहा है, इसमें काफी ज्यादा फिसलन होगी, सो इट बी डेंजरस फॉर अस। विल हैव टू लुक फॉर द बेस्ट वे जिससे हम नीचे और आगे जा सकते। कम ऑन, फॉलो मी। अच्छी बात है कि यहाँ पे पकड़ने के लिए आपके पास बहुत सारी गिलोय हैं, विच एक्चुअली हेल्प्स यू टू गिव अ ग्रिप, बट 100% यू कैन नॉट रिलाई ऑन देम, तो ये हरी है तो कच्ची हो सकती हैं। तो जहाँ हमने जो पहली वाली जगह देखी वो थोड़ी स्लिपरी है, गिरने का खतरा हो सकता है, सो वी हैव चोजन अ सेफ प्लेस टू गो डाउन और एंड यू विल फॉलो मी फॉर दैट। ओके, आ जाओ। किसी को गिलोय चाहिए तो, किसी को गिलोय चाहिए तो हमें बोलो, हमारे पास बहुत सारी है यहाँ पे हिमाचल में। कम पास पीने के लिए ग्लासेस होते हैं, मग हो गए, बहुत सारी चीज़ें होंगे, पर आज हम एक, क्योंकि पानी है पीने का और ये नीचे से आ रहा है पानी, मैं कैमरामैन को बोलूँगा ये दिखाइए, तो ये पानी पीने के लिए ठीक है। मुझे नहीं पता है कितना कितने समय से यहाँ पर है, पर ये पहाड़ों में अक्सर आपको दिख जाएंगे जंगलों के बीच में, ये जंगली जानवरों के लिए या फिर कोई भी अगर बीच में आए तो उसको के पानी पीने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो आज हम इसको अपना कप बनाते हुए इससे पानी पियेंगे, पानी पियेंगे, पानी पियेंगे। पानी मीठा है, पानी मीठा है और शीतल भी। बोतल भी भरूंगा, हालांकि पानी में हम बोतल से भी पी सकता था, पर जस्ट टू गिव इट अ फनी साइज हमने पानी से पिया। चीयर्स। इसलिए अब हम यहाँ से अपनी पानी की बोतल भी भरेंगे एंड अपनी जर्नी प्रोसीड करेंगे। लेट्स सी होटल एक्सपीरियंस वी गेट इन द जंगल। ये जंगल में मंगल करेंगे हम और तुम, ठीक है? चलो कैमरामैन, लेट्स गेट अप। मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो को काफी फनी बनाऊंगा, बट एक्चुअली टेलिंग व्हेन यू आर एक्चुअली इन जंगल यू डोंट रियलाइज कि आपको क्या फनी बनाना है कि नहीं, बिकॉज ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा खतरनाक जंगल है।
और यहाँ पे जंगली जानवरों का भी डर है। तो बेस्ट वे इज कि जब भी आप जंगलों आप आवाज करें ताकि आपकी आवाज से ये जंगली जानवर भाग जाए। आप अपने साथ कोई डंडा वगैरह जरूर रखिए, आप आवाज के साथ मुझे मिला नहीं है पर प्रेफरेबली बांस का रखिए, वो ज्यादा आवाज करता है। सरप्राइज, भूख लगी है हमको भैया, देखो हमको मिला है क्या। दिस इज एक्चुअली अ सरप्राइज गाइस, पीच, पर ये कच्चा है अभी, आगे देखते हैं क्या है। जन्नत का स्वाद धरती पर भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। इसको खाने में जो आनंद है यही परम सुख है। किसी ने अगर इसकी डेफिनेशन लिखी हो ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली। हालांकि ये पके हुए नहीं है बट फिर भी स्टिल दे आर वेरी टेस्टी एंड ऑब्वियसली फ्रेश, बिकॉज अभी जस्ट हमने इसको पेट से तोड़ा है। ट्रूली अमेजिंग, मुझे काफी देर से भूख लगी हुई थी पर दिस एक्चुअली हेल्प्ड अस। पहले तो नींबू मिले हमें, ठीक है, उसके बाद ये, इस बात से एक बात याद आई मुझे। वेल आई वॉज अ चाइल्ड, मतलब मैं ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई बीन अ शेफर्ड, मैंने गाय चराई है। प्रॉब्ली दैट इज द वन ऑफ द रीजन दैट आई नो सो मच अबाउट दिस वेजिटेशन। तो क्या होता था, कई बार हमारे जो जानवर थे वो गुम हो जाते थे, तो उनको ढूंढने के लिए हम क्या करते थे, एक पत्तियों से आवाज निकालते थे और वो आवाज मैं आपको करके बताऊंगा। हमें कोई भी बड़ी दो पत्तियां लेनी है, क्या करते थे कि हमारा जानवर अगर हो जाता था, जैसे गाय होगी, बैल हो गए, तो हम इसको ऐसे पकड़ते थे, इस तरह की आवाज हम करते थे। दिस एक्चुअली यूज्ड टू स्केयर एनिमल्स, तो उसके बाद वो फिर इधर उधर भागना शुरू कर देते थे। By with their movements we get to know that this is a place where our cattle are. This was the fun time. Now we really get to see such things because of बहुत कम लोग हैं जो ऐसे जानवर वानवर पालते हैं। गाँव में हैं but they are not allowed to take their cattle outside from their private premises. I had a great chat with them. This is one of the stories. और ऐसी स्टोरीज में आपको गप्पे मारते मारते मैं आपको सुनाता जाऊंगा और ऐसे ऐसे बहुत सारे वेजिटेशन के बारे में। चलो ज्वाइन मी है ना। एंड वन मोर थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो वेयर एग्जैक्टली वी आर कीपिंग आवर फीट। अगर फिसलन में रखते हो तो यू माइट गेट हर्ट बैडली, और यहाँ से हॉस्पिटल काफी दूर है, सो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल वी आर वॉकिंग ऑन दिस जंगल। ठीक
सकते हैं और यहाँ पे तरह तरह के हमें जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे चीते हैं आपके, फिर जंगली सुअर हैं और वुल्फ है, फॉक्स है और जंगली तीतर है, जंगली मुर्गे हैं, फिर वो है, नेवला है, मंगूस, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे लोकल जो जानवर आपको आम देखने को मिल जाएंगे। हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ इन देम व्हाइल वी ऑल आर ऑन दिस जंगल स्ट्रीट और ऑन दिस जंगल ट्रेन, वी शुड मेक नॉइस सो दैट जो आसपास के जंगले दे गेट अलर्ट कि अरे कुछ हो रहा है, तो आपको वो नज़दीक ना आए। सो दिस इज द वन ऑफ द ट्रिक दैट यू गाइस कैन यूज। इसको खाने के लिए हम रख सकते हैं, हमारे अपने बैग में लगेगी। सड़ गया है। ठीक है, जहाँ हम जंगल में चीज़ें खरीदते हैं यहाँ हमें फ्री में मिल रही है, जंगल में नहीं शहरों में। ये ऐसा हो गया जैसे आफ्टरनून लंच, इसके बाद वो करना पड़ेगा हमें जलाने के लिए लकड़ी और बचाने के लिए भी लकड़ी। सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, जाने के लिए की लकड़ी और चलाने के लिए भी लकड़ी। ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ लाइफ, दोनों। मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हूं, नहीं पीछे खराब है ये जलाने में हमारी हेल्प करेगी। इम्पोर्टेंट मैसेज है, आप अपनी मर्जी से कभी भी ऐसा एडवेंचर ना करें। देखो मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ की चीज़ों को जानता हूँ, पेड़ पौधों को जानता हूँ, ये आपके लिए काफ़ी जानलेवा हो सकता है यदि आप इसे अकेले कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा कैमरा मैन है अक्षय ठाकुर। सॉरी, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, आप शहरों में 700 रुपीस का इतना सा गुच्छा आता ना एस्पैरेगस, थिंग्स दैट यू कॉल एस्पैरेगस, वो ये है, ये काफ़ी मैच्योर हो गई है, अब इसको नहीं खा सकते हम, ठीक है। और हिंदी वाले से सतावर कहते हैं, इसकी जड़ों को हम सतावर कहते हैं, इसे सतावर वो खा सकते हैं, हल्की हल्की मीठा है टेस्ट इसका, कैसे खा सकते हैं। पर ये दिस इज एस्पैरेगस, एस्पैरेगस का सूप, ये वो, ये मैच्योर हो चुकी है, जड़ का टेस्ट इसका हल्का मीठा है, काफी देर तक खाओगे तो इसमें कड़वा स्वाद ही आएगा। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, गुड फॉर हेल्थ। हरे बांस की तलाश है पर यहाँ पे है नहीं मिला। हरा बांस हमारे लिए बर्तन का काम कर सकता है, अगर हमें कोई चीज पकानी है, पानी उबालना है हमें, तो हमें हरे बांस की जरूरत है। यहाँ पे सारे मरे हुए और जो हरे हैं वो काफी अंदर है, इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। हेलो 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 हेलो, ऐसी आवाज बीच बीच में करते रहे आपके होने का, देखिए बहुत आसानी से निकल जा रहा है, ये कच्चा है, ये नीचे से लग, ये देखो फटा हुआ है, इसकी जरूरत हमें फिलहाल नहीं है, ऐसे पता चलेगा ये हरा है, पर इसको काटने में थोड़ी परेशानी हो सकती है हमें ज्यादा। ये भी हरा है, let's see if this work for us।
कभी भी किसी को मारो ऐसे करो, देखो समझ में आ गया कि हरा है ये। अप डाउन अप डाउन। हमें ये मिशन यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, बिकॉज ये वो बांस नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है, बिकॉज इसका जो बीच का जो हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा छोटा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत छोटा है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये मेहनत हमारी बर्बाद गई। हमें चाहिए जिसमें ज़्यादा बड़ा छेद हो, जाके अगर हमें उसमें पानी भी उबालना पड़े तो उबाल सके। इसमें पानी उबालने के लिए और कोई भी चीज़ रखने के लिए जगह ही नहीं है, और जंगल में हमारे लिए खाना फिलहाल होगा फ्रूट्स अगर हमें मिल जाए रास्ते में, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसे हम खा सकें। चलो this was a plant that I was referring for, curry leaves।